हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट डायरेक्ट मेथड, यानी शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि। आज हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग विच इज समटाइम्स कॉल्ड द नेचुरल मेथड एंड इज ऑफन यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज रिफ्रेंस फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड यूज ओनली द टारगेट लैंग्वेज। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंग्लिश अराउंड 1900 एंड कॉन्ट्रास्ट विद द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड अदर ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज विद सी जे डॉटसन बिलिंगुअल मेथड। देखिए, शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विधि कहते हैं, और अक्सर विदेशी भाषाओं को पढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षार्थियों की मूल भाषा का उपयोग करने से बचती है और केवल लक्ष्य भाषा का ये उपयोग करती है। ये 1900 के आसपास इंग्लैंड में स्थापित किया गया था और व्याकरण अनुवाद विधि और अन्य पारंपरिक तरीकों के साथ साथ सी जे डॉटसन की द्विभाषी पद्धति के साथ विरोधाभास था। ये सामान्य तौर पर शिक्षण मौखिक कौशल के विकास पर ये केंद्रित है। टेक्निक्स, इसकी क्या क्या तकनीकी हैं, देखिए, क्वेश्चंस आंसर एक्सरसाइज, यानी द टीचर आस्क क्वेश्चंस ऑफ एनी टाइप एंड द स्टूडेंट आंसर, शिक्षक किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछता है इसमें और छात्र उत्तर देता है। फिर है डिक्टेशन। डिक्टेशन में क्या होता है, द टीचर चूज ए ग्रेट अप्रोप्रिएट पैसेज एंड रीड्स इट अलाउड, यानी शिक्षक एक ग्रेट उपयुक्त मार्ग चुनता है और इसे जोर से पढ़ता है। फिर है रीडिंग अलाउड, द स्टूडेंट टेक टर्न रीडिंग सेक्शन ऑफ अ पैसेज प्ले और डायलॉग अलाउड, छात्रों को एक पारित होने, खेलने, एक संवाद जोर से पढ़ने के वर्गों को लेते हैं। फिर है स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, व्हेन अ स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक द टीचर ऑफर्स हिम हर सेकंड चांस बाय गिविंग अ चॉइस। इसमें क्या होता है, जब छात्र कोई गलती करता है तो शिक्षक उसे एक दूसरा विकल्प देता है, यानी उसे दूसरा चांस देता है। फिर कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, इसमें द स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क देयर ओन क्वेश्चंस टू द अदर स्टूडेंट्स और द टू टीचर। दिस इनेबल्स बोथ अ टीचर लर्नर इंट्रैक्शन एज वेल एज अ लर्नर लर्नर इंट्रैक्शन, छात्रों को अन्य शिक्षकों या शिक्षक को अपने स्वयं के प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। ये शिक्षक शिक्षार्थी बातचीत के साथ साथ शिक्षार्थी शिक्षार्थी बातचीत दोनों को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग, द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट अ पैसेज इन देयर ओन वर्ड्स, मीन्स अनुच्छेद लेखन, छात्रों को अपने शब्दों में एक मार्ग लिखने के लिए कहा जाता है। फिर हमारा एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग इंग्लिश, यानी टीचिंग इंग्लिश डायरेक्ट मेथड की क्या लाभ हैं, टीचिंग इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड के यानी प्रत्यक्ष विधि के क्या लाभ हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज नेचुरल मेथड। इन द डायरेक्ट मेथड द ऑर्डर ऑफ टीचिंग इज ऑब्जर्विंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, दिस इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ अ लर्निंग एंड लैंग्वेज। द मेथड मेक्स यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड कन्वर्सेशन, ये क्या एक प्राकृतिक विधि है। प्रत्यक्ष विधि में शिक्षण का क्रम अवलोकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। ये भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम होता है। इसमें क्या होता है, पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ये विधि प्रदर्शन और बातचीत का उपयोग करती है। नेक्स्ट है इट गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच एज अ लॉट ऑफ अटेंशन इट पेड टू ओरल ट्रेनिंग इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स एक्वायर फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, दिस इज द रीजन वाई स्टूडेंट्स हु आर टॉट बाय द डायरेक्ट आर फ्लुएंट स्पीकर्स एज कंपेयर टू दोज हु आर टॉट बाय द ट्रांसलेशन मेथड। ये क्या करता है, ये भाषण का प्रवाह देता है, यानी ये फ्लुएंसी में मदद करता है। इस पद्धति में मौखिक प्रशिक्षण पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, इसलिए छात्र भाषण के प्रभाव को प्राप्त
करते हैं। यही कारण है कि अनुवाद विधि द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्रों की तुलना में प्रत्यक्ष द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्र धारा प्रवाह वक्ता होते हैं। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स प्रोनंसिएशन, ये उच्चारण में भी सुधार करता है। एज द स्टूडेंट्स आर मेड टू स्पीक अ लॉट एंड दे आर ऑल्सो टू फोनेटिक्स देयर प्रोनंसिएशन इम्प्रूव्स। जैसा कि छात्रों को बहुत कुछ बोलने के लिए बनाया जाता है, उन्हें ध्वनि विज्ञान भी सिखाया जाता है और उनके उच्चारण में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट इट एड्स रिटन वर्क्स, ये क्या करता है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच लीड्स टू केस इन राइटिंग टू एक्सप्रेस themselves in writing, the students have only to learn spellings. If a student can express as himself clearly in speaking, he can express himself in writing as well. भाषण की धारिता लेखन में ये मामले की ओर ले जाती है। खुद को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए छात्रों को केवल बढ़ने सीखना होता है। अगर कोई छात्र खुद को बोलने में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है तो वह खुद को लिखित रूप में भी व्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट है इट फैसिलिटीज द स्टडी ऑफ लिटरेचर, ये साहित्य के अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। इट इज बिलीव दैट सिंस द स्टूडेंट एक्वायर्स एन ईयर फॉर द लैंग्वेज इन डायरेक्ट मेथड, इट फैसिलिटीज द स्टडी ऑफ लिटरेचर। ये माना जाता है कि चूंकि छात्र प्रत्यक्ष विधि में भाषा के लिए कान का अधिग्रहण करता है, इसलिए साहित्य के अध्ययन की सुविधा भी प्रदान करता है। इट मेक्स यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड, दिस मेक्स द लेसन इंटरेस्टिंग। देखिए प्रत्यक्ष पद्धति में ऑडियो विजुअल जो मेथड होता है उसका उपयोग किया जाता है और ये पाठ को बहुत अधिक रोचक बनाता है। ये क्या करता है, ये सीखने वालों को सही उच्चारण प्रदान करता है, ये बेहतर समझ प्रदान करता है। इससे क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से समय की बचत होती है, शिक्षण मुहावरों में मदद होती है, ये भाषा को बेहतर फ्लुएंसी प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर सक्रिय और निष्क्रिय शब्द संग्रह के बीच इसमें अंतर होता है। प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसे व्याकरण अनुवाद पद्धति की प्रतिक्रिया के रूप में इसको विकसित किया गया था। ये जो है 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्कूल जैसे वर्ल्टेज इनिएटिंग द्वारा अपनाया गया था और 2012 में अमेरिकी विदेश विभाग के विदेशी सेवा संस्थान के कई भाषा विभाग थे।